डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूं या उनको गालियां निकालूं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन एक मजाक बन चुका है, एक समझ लीजिए खेल बन चुका है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना उनका काम बन चुका है। मैं नालायक कमिश्नर सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कि वो इतने नालायक है, अगर उनका डिपार्टमेंट नालायक था, उनको कम से कम पिछले साल का फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर चेक कर लेते। जब लास्ट ईयर वन ईयर का रिलैक्सेशन का ऑर्डर हुआ था, तो इस बार सिक्स मंथ का रिलैक्सेशन का ऑर्डर कैसे, क्या सिक्स मंथ का सेशन होता है? जब सेशन होता है एक साल का, तो सिक्स मंथ का रिलैक्सेशन देने का मतलब क्या था? इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नाइंसाफी करने का मतलब क्या था? क्या मतलब था इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नाइंसाफी करने का? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया था, जिन्होंने ऊपर ये सारा सिस्टम रखा था कमिश्नर सेक्रेटरी के आगे, और वो भी नालायक आदमी जो है कमिश्नर सेक्रेटरी बिठाया गया है, जिसने सिक्स मंथ का वन टाइम रिलैक्सेशन ऑर्डर पास कर दिया। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, जम्मू कश्मीर के लोग आपसे क्या मांग रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ अपने बच्चों के लिए वन ईयर की रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, जब एक साल का सेशन होता है तो सिक्स मंथ की रिलैक्सेशन देना कहाँ का इंसाफ है? आप लोग कापिए करना सीखे हो, आप लोगों ने हिमाचल देख लिया, कहीं देख लिया कापिए कर ली, लेकिन आपने 2026 में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है उसकी कॉपी नहीं की। क्यों बच्चों को परेशान किया जा रहा है? जितने भी हमारे एमपीज, लीडर, एमएलए हैं, उनके मुंह से ये आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कहना चाहता हूँ, इन छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों की आवाज़ सुन लीजिए, सुन लीजिए। आज बच्चे कम आए हैं, इसलिए कम आए हैं क्योंकि बच्चे माँ बाप सड़कों पर लाने के लिए मजबूर हुए हैं, लेकिन हर जगह कोई रियासी का है, कोई डोडे का है, कोई किश्तवाड़ का है, कोई कश्मीर का है, कोई कठुआ का है, कोई कहीं का है, रोज़ रोज़ नहीं आ सकते। माँ बाप बेचारे मजबूर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। तो मैं नालायक कमिश्नर सेक्रेटरी को बोलना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बकाया है, थोड़ा सा भी एहसास है जम्मू कश्मीर के लिए, एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, ऐसे कमिश्नर सेक्रेटरी को हटा दीजिए। एक साल का सेशन होता है, सिक्स मंथ की रिलैक्सेशन देने का मतलब क्या? तो इसलिए जो बच्चे 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने जो यूकेजी जिन्होंने पास की है अच्छे मार्क्स से, सभी बच्चों को रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, जिस तरह वन ईयर रिलैक्सेशन लास्ट ईयर दी गई थी, इस साल भी वन ईयर रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं बोलूं, बुक्स और यूनिफॉर्म, एलजी साहब पूरा का पूरा सिस्टम आपका मिला हुआ है, पूरा का पूरा जेके बोर्ड, सीबीएसई का पूरा सिस्टम, सब पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका इस नेक्सस में मिला हुआ है। हर एक दुकान पे किट जो है 2,000 से 8,000 रुपए की बेची जा रही है। किसी स्कूल में जेके बोर्ड की अगर 3 बुक्स लगती है, तो 15 बुक्स अपनी बुक्स लगाई जा रही है पब्लिश करवा कर। अगर एनसीईआरटी की 80 रुपए बुक है, तो वो वाली बुक जो है अपनी पब्लिश करवाई हुई 400 रुपए की बना दी जाती है। कौन सी क्वालिटी एजुकेशन जो हर साल चेंज हो जाती है, तो एक साल पहले की क्वालिटी एजुकेशन खत्म हो जाती है? क्यों प्राइवेट स्कूल माफिया, क्या प्राइवेट स्कूल माफिया इन एमपीज को फंडिंग दे रहा है? शायद इसलिए नहीं बोलते ये चोर। जितने भी एमपी खड़े हैं, अगर ये एक भी ईमानदार एमपी होता, तो स्कूल वाले को साथ लेके ना चलता, स्कूल वालों से फंडिंग ना लेता, स्कूल वालों से कोई भी हेल्प ना लेता और स्कूल वालों को सुधारता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमिश्नर सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, कि छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना बंद किया जाए,
जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो जस्टिस किया जाए। 1 ईयर की रिलैक्सेशन का ऑर्डर 3 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर होगा। मैं 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 3 लाख बच्चे होंगे, मैं इन सबके साथ सड़कों पे बैठ जाऊंगा।